नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का पोकेमोन सोर्ड एंड शील्ड रैंडमाइजर के ब्रांड न्यू एपिसोड में। एंड गाइस, पिछले एपिसोड में क्या ऑसम पोकेमोन हमने पकड़ा यार। मैं तो खुद विश्वास नहीं कर रहा था यार, हमने जैशियन को पकड़ा था भाई, मज़ा ही आ गया। एंड हम जा रहे थे तुम्हारा रूट टू में। रूट टू में प्रोफेसर मैग्नोलिया रहती है, जो प्रोफेसर सोनिया थी ना, प्रोफेसर नहीं वो तो असिस्टेंट थी, उसकी क्या बोले ग्रैंड मदर है, जो कि शायद से एक्सपर्ट है ये सब चीज़ों में, पोकेमोन्स, पोकेडेक्स, ये सब चीज़ों में। सो मैं और हॉप निकल जाता, लेकिन उससे पहले हॉप हमें बीच रास्ते में ही रोक देता और भाई पोकेमोन सेंटर का दर्शन करवाता है। बट रुको गाइस, सीरीज शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने एक ग्राउंड रूल सेलेक्ट किया है कि मैं सिर्फ एक ही लेजेंडरी पोकेमोन को यूज़ कर सकता हूँ, वो भी जिस रूट में गया ना उसमें जो पहला वाला दिखेगा उसी को। बाकी को मैं ट्राई कर सकता हूँ पकड़ने का, लेकिन उनको मैं यूज़ नहीं कर सकता बैटल के लिए। इससे थोड़ा चैलेंज एक्साइटिंग हो जाएगा, क्योंकि यार सारे लेजेंडरीज रख लूँगा, उसके बाद तो पिटाई कर दूँगा सबकी भाई। एंड डोंट वरी, इस गेम में ओपोनेंट्स के पास भी भाई लेजेंडरी पोकेमोन्स होते हैं। सो पोकेमोन सेंटर को हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद मैं बाहर आ जाता। एंड यहाँ पर फिर ऑफ खड़ा है भाई, थोड़ी देर पहले यहाँ पे खड़ा था, ये देखो यहाँ पे, फिर अभी यहाँ चला गया। एंड ये क्या बोल रहा है भाई? एंड हॉप बोल रहा है कि अगर हमें पोकेमोन ट्रेनर बनना है ना, तो हमें जिम चैलेंज लेना होगा। एंड यस हॉप, ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन वो हम कैसे मतलब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अलग से क्राइटेरिया है। यहाँ पे हमें ना शायद से लाइसेंस लेना पड़ता है, हाँ। एंड उसमें शायद से ये प्रोफेसर मैग्नोलिया, जिनसे हम ऐसे भी मिलने जाने वाले थे, वो हेल्प कर सकती है। अच्छा ऐसा क्या, तब तो भाई चलो चलो जल्दी चलो यार। एंड ये तो मस्त क्राइटेरिया रखा है इन्होंने यार, कि तुम्हें लाइसेंस चाहिए होगा भाई जिम बैटल्स करने के लिए। एंड रूट टू का रास्ता ये रहा, लेकिन यहाँ पे ये आदमी क्या कर रहा है भाई बच्चों को? अच्छा गाइड दे रहा है, और लॉल यार ये बच्ची तो उल्टा हमें पोकेमोन ट्रेनर लेसन दे रही है। सो अब आगे चलते हैं। एंड यार ये क्या चमक रहा है भाई, रिवाइव? अरे भाई ऐसे हिडन आइटम्स भी हैं। एंड ओ माय गॉड यार, क्या ब्यूटीफुल प्लेस है, देख रहे हो? एंड एक चीज़ बोलूँगा यार, सोर्ड एंड शील्ड में ना बहुत बढ़िया वर्ल्ड डिज़ाइन किया गया। और हॉप भाई यहाँ भी है, अच्छा हमें बुला रहा है, क्या हो गया भाई? एंड हॉप कुछ मुझे बताने वाला था, लेकिन अचानक से भाई लियोन आ जाता है यहाँ, और हॉप इसको देख के भाई डर जाता है, देख रहे हो? एंड लियोन हमें बता रहा है कि यार तुम्हें सबसे पहले तो यार अपना पोकेमोन पार्टी फुल रखना होगा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन से, एंड उसी के थ्रू तुम पोकेडेक्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग दोनों भाई एक दो पोकेमोन सभी से पकड़ लिए हो, लेकिन तुम्हारे पास ज़्यादा पोकेबॉल्स नहीं है जो तुम्हारी मम्मी ने दिया है। एंड सो लियोन हमें पोकेबॉल देता है। यार थैंक्स यार, मैं तो भूल ही गया था पोकेबॉल्स भी खरीदना, इतने ऑसम ऑसम पोकेमोन दिख रहे हैं और बिना पोकेबॉल के घूम रहा हूँ भाई, गधा हूँ मैं तो। एंड हमें पोकेबॉल मिल गया। हॉप को नहीं दे रहा है क्या भाई, उसी का भाई यार? नहीं नहीं, लियोन उसको भी देगा यार, लियोन अच्छा ब्रदर है कि नहीं? एंड लियोन वही सेम चीज़ बता रहा है कि पोकेमोन्स पकड़ो, पोकेमोन्स को स्ट्रांग करो और खुद को स्ट्रांग बनाओ। वाह यार, चैंपियन स्पेशल गाइड कर रहा हूँ मैं, तब तो यार हमें कोई नहीं रोक सकता भाई स्ट्रांग ट्रेनर बनने से। एंड ये क्या भाई, हॉप को पोकेबॉल भी नहीं दिया भाई, लेकिन लगता है हॉप पहले से भाई तैयारी के साथ आया था, देख रहे हो बंदे का कॉन्फिडेंस, और यही बोल के भाई भाग गया। सो चलो देखते हैं यहाँ हमें कौन कौन से ऑसम पोकेमोन्स मिलते हैं। और भाई वो देख रहे हो ब्रो, अरे भागो यार, ये तो दौड़ाने लगा भाई हमें। भाई ये तो टीटार है, टायरेनिटार यार, गॉडजिला जैसा लग रहा है, देख रहे हो भाई? इनको अपन सीटी मार के बुलाएंगे। और ये क्या भाई, ये दोनों एक साथ आ रहे यार, ऐसा रियल लाइफ में होगा तो अपनी तो पैंट गीली हो जाएगी भाई, क्योंकि टायरेंटार और गॉडजिला एकदम मुझे सेम टू सेम दिखता है। एंड इतने ओपी पोकेमोन को हम देख के भाग जाएंगे? ना, हम लोग ट्राई करेंगे इसको पकड़ने का भाई। इसके पास तो सैंड स्ट्रीम एबिलिटी है, जिससे भाई सैंड वाला तूफान आ गया। सो इसको कौन सा अटैक मारूं? आइस टाइप शायद डैमेज देगा, क्योंकि ग्राउंड टाइप है ये नहीं मार सकते। सो क्या मारे? पॉइजन स्टिंग मारते हैं, नॉट वेरी इफेक्टिव है बट डैमेज देना चाहिए। ओह भाई ये क्या कॉमेडी, जीरो डैमेज दिया, लेकिन अच्छा है भाई पॉइजन हो गया, लेकिन ख़राब भी है क्योंकि ये मर गया तो। और ये क्या आँख मार रहा है भाई, आँख मार के डिफेंस गिरा दिया, देख रहे हो? ऐसे वो आँख नहीं मार रहा था, ली रहा है भाई, उसका एनिमेशन ही वैसा दिया है। पॉइजन डैमेज दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता है इसको कोई अटैक मारना सही रहेगा, लेकिन थंडर शॉक मार के देखते हैं। ऐसे तो ग्राउंड टाइप है, शायद से इफेक्ट करेगा या नहीं, कर रहा है लेकिन बहुत कम दिया ये भी। और ये रॉक थ्रो मारता, ओए ये क्या था भाई इतना डैमेज? यार वो सेम लेवल का शायद से वो चीज़ होगा भाई, उसके वजह से हमें इतना डैमेज पड़ रहा है। एंड गाइस अब मुझे डर लग रहा है इसको अटैक करने पे, सो मैं यूज़ करूँगा पोकेबॉल, और चलो देखते हैं क्या हम पकड़ पाएंगे। 20 पोकेबॉल्स है एंड
भाई निकल गया और निकल के ही लगता है गुस्सा सा गया भाई, बाइट यूज कर रहा है यार। अरे भाई व्हाट द हेल ब्रो, इस टीटार ने तो अपने प्लास्टिक को धो दिया भाई। डैम यार, फर्स्ट टाइम कोई पोकेमोन से पिटा हूँ इतनी जल्दी यार। ये हार्ड मोड वाला रैंडमाइजर है भाई, सो जैसियन को भेजता हूँ यार, ये तो उल्टा और पिटाएगा भाई। लेवल 3 का लेजेंडरी है तो क्या हुआ भाई, टायरेनिटार भी सूडो लेजेंडरी में आता है। सूडो लेजेंडरी पोकेमोन्स के बारे में तुम्हें अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये पोकेमोन्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनफैक्ट उनका स्टैट 600 से प्लस भी हो सकता है, जो कि लेजेंडरीज का मोस्टली होता है। एंड जितने भी सूडो लेजेंडरी पोकेमोन्स है सारा का 3 एवोल्यूशन होता है। और ये क्या भाई, नॉट वेरी इफेक्टिव में इतना डेंजर डैमेज दिया, एंड अपने जैसियन का तो घंटा उसे कोई डैमेज नहीं पड़ रहा है यार। पकड़ पाएंगे इसे क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है अब, बट कोई नहीं गाइस, हार नहीं मानने का। और कम ऑन पोकेबॉल प्लीज़ यार, टायरेनिटार मिल गया तब तो भाई तबाही मचेगी। और पकड़ लिए क्या भाई, अरे कितने क्लोज थे यार। कम ऑन जैसियन बच जाओ यार, और भाई पिट गए अपन तो। एंड यही होता है जब तुम यार सुपर स्ट्रांग पोकेमोन को पकड़ने का ट्राई करने जाते हो यार, हार गए भाई। एंड सिंस यार अभी मेरे पोकेमोन्स उठने लेवल्ड अप नहीं है, सो मुझे लगता है अभी हम लोग टायरेनिटार को नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा लेवल अप हो जाते हैं ताकि इसके अटैक झेल पाए, उसके बाद आएंगे फिर से पकड़ने, ठीक है। एंड ये पोकेमोन हम लोग को हरा दिया, मतलब भाई अपने टीम में तो इसको पकड़ना ही पड़ेगा कोई भी हाल में। और ये क्या भाई, इस बार आया पोकेमोन्स ही नहीं और ये बिल्ली दौड़ा रहा है भाई पर्शियन। अच्छा मुझे लगता है ना यार, हर टाइम इसमें पोकेमोन्स रैंडमाइज हो जाते हैं यार, ये तो बहुत सही है। मतलब कि इसमें चांसेस है कि हम लेजेंडरीज को एनकाउंटर कर सकते हैं, सूडो लेजेंडरीज को या फिर नॉर्मल पोकेमोन्स को। और ये क्या भाई, ये भी 9 लेवल का और अच्छा डैमेज दे रहा है। एंड इस बिल्ली को मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं आराम से जा रहा था भाई बगल से और ये मेरे को आके मार देता है। तो चलो देखते हैं हम इस बिल्ली का क्या कर सकते हैं, या बिल्ला का जो भी है। ओ आइसिकल स्पीयर तो मस्त डैमेज दे रहा है, ये सही है। और वन शॉट कर देगा क्या भाई, अरे नहीं क्लोज थे, और एक हिट लगता ना तब तो उसकी बैंड बज जाती। एंड बाय द वे देख रहे हो भाई, इसने तो मेरे ब्लास्टोइस को येलो हेल्थ में ला दिया भाई। अभी जस्ट मैं पोकेमोन सेंटर से आया था और ये हाल हो गया। खैर कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। एंड कितना लेवल मिला यार, चलो 2 लेवल मिल गया और जैशियन को 3 लेवल, ये सही है। अब आगे बढ़ा जाए। एंड अरे फिर से आ गया बिल्ला भाई, क्या बिल्ली है भाई ये, मतलब ये ट्रेनर दिखता है और उस पर भाई अटैक कर देता है। तो इस बार नहीं फाइट करूँगा यार, पिछली बार मरते मरते बचा हूँ, अभी नहीं फाइट करेंगे। चलो चलो गाय भागो यहाँ से भाई। और ये लाइनून को देख रहे हो भाई, कितने तेज़ घूमते हैं ये लोग, इनसे तो बच गए। एंड वो आगे में मुझे एक बच्चा दिख रहा है भाई, और ये क्या पोकेबॉल लेके आया भाई, फेंक के मारेगा क्या भाई। अबे ओ छोटू बदमाशी किया ना, बहुत मारूंगा तुझे। सो चुपके से भाग रहा था लेकिन ये भाई पकड़ लेता है हमें। एंड बोलता है कि ये आम बात है, अगर पोकेमोन ट्रेनर्स की आंखें मिलती है तो वो बैटल करते हैं। वाह ब्रो वाह, क्या क्या माइंडसेट है भाई इसका। और ये भेजता है अरैकनेड, इसको मैं बहुत कम देखा हूँ, देखने में तो स्ट्रांग पोकेमोन लग रहा है। सो क्या मारे, थंडर शॉक मार के देखते हैं। ओके और चलो बढ़िया डैमेज और सुपर इफेक्टिव, अरे वाटर टाइप है, बहुत बढ़िया, तब तो अपन इसको आराम से पिट सकते हैं। और ये कोई शेल स्मैश यूज़ करता है, इससे इसका डिफेंस और एसपीडी गिर गया लेकिन अटैक शार्पली बढ़ जाता है, एसपी अटैक और स्पीड भाई ये सब बढ़ा के क्या करेगा। और ये क्या भाई, डेस्टिनी बॉन्ड यूज़ कर रहा है यार, प्लीज़ ब्लास्टोइस मारना मत इसे, अगर हम लोग इसको मार देते हैं ना तो हम लोग भी मर जाएंगे। प्लीज़ ब्लास्टोइस भाई बच गए यार, चलो चलो इसको जल्दी मारते हैं भाई, ये तो डेंजर पोकेमोन है डेंजर मूव के साथ। एंड फिर से डेस्टिनी बॉन्ड यार, चलो भाई फेल हो गया लगता है। उस मूव को ना तुम बार बार नहीं यूज़ कर सकते, ये अच्छा है भाई, अगर वो इस बार यूज़ कर लेता तो मेरा ब्लास्टोइस फेंट हो जाता झूठ मूठ का। एंड बंदा तो थोड़ा स्ट्रांग माइंडसेट वाला निकला यार, क्योंकि उसके पोकेमोन के पास ऐसा मूव था कि यार मैं तो डूबूंगा ही और साथ में तुम्हें भी लेते जाऊंगा, वो वाला था भाई। खैर कोई बात नहीं, इस बच्चे को हरा देते हैं और इससे कुछ हम लोग पैसे भी लूट लेते हैं। एंड ये तो गलत बात है ना यार, हम लोग भाई ट्रेनर्स को हराते हैं उनसे पैसे लूटते हैं, ये क्या सिस्टम पोकेमोन गेम वालों ने दिया है। लॉल फिक्शन है तो कुछ भी हो सकता। और ये क्या भाई, ये वेल्स लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भाई ग्रासेस में, इनको पानी में होना था भाई। ये रैंडमाइजर मुझे लगता है भाई कॉमेडी कॉमेडी सीन्स हमें दिखाने वाला है, सो ये तो नहीं चाहिए, सो इनको मैं स्किप करता हूँ और यहाँ से निकलते हैं। और रुको, ऊपर में कोई एक आइटम रखा हुआ है, ये पोकेबॉल शेप्ड वाली चीज़ें ना जनरली कोई आइटम्स होते हैं, और पोशन मिला है दो उठा लेता हूँ।
एंड रुको, अभी मैं नोटिस किया ये कौन है भाई, ड्रैगापुल्ट है क्या यार? वो असम वाला ड्रैगन टाइप पोकेमोन? नहीं नहीं, वो ड्रैकलोक है, उसका ना तुम्हारा मिड एवोल्यूशन वाला फॉर्म। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें ड्रैगापुल्ट के बारे में बता रहा था और अचानक ये अंडे आ जाते हैं भाई, जिनको मैं डॉज ही नहीं कर पाता। ये एग्जीक्यूट है शायद से ग्रास, हाँ ग्रास टाइप है, सो इनसे बच के निकलूँगा भाई। और किधर जाना है, इस साइड जाना है शायद से। अच्छा नहीं भाई, यहाँ पे बस एक आइटम है, ये क्या है, पोके बॉल्स। सही है, ऐसे फ्री के आइटम्स मिलेंगे तब तो मज़ा ही आ जाएगा। और ये कैसा घूम रहे हैं यार, वो दोनों को देख रहे हो, लाइनोंस को, खतरनाक घूम रहे हैं यार, उनको तो चक्कर आ जाएगा भाई। एंड यहाँ पे भी एक लेडी ट्रेनर है, और क्यूट एंड स्ट्रॉन्ग टुगेदर इन कॉम्बिनेशन। ओहो ऐसा क्या, चलो देखते हैं भाई, क्यूट तो है ये, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं वो पता करते हैं। एंड ये भेजती है क्लिंक, ये कैसा स्क्रू वाला पोकेमोन है भाई, इसका डिज़ाइन तो बिल्कुल क्या बोले, वॉच खोल के देखोगे ना वो पुराने ज़माने का जो हाथ में पहनते थे लोग, उसमें इस टाइप का सिस्टम रहता है वॉच में। एंड व्हाट द हेल यार, मडशॉट कीचड़ उछालता है, रुक तेरे को बताता हूँ। सो इसको हम लोग मारेंगे थंडर शॉक, ये शायद से स्टील टाइप्स को डैमेज देता है, और देख के तो स्टील टाइप का ही लग रहा। और चलो अच्छा डैमेज तो हम दे रहे थे, लेकिन जैप कैनन भाई भाई बच जा ब्लास्टोइस यार, इलेक्ट्रिक टाइप अटैक इसके पास भी है, चलो यार बच गए, लेकिन पैरालाइज हो गए यार। कौन सा अटैक मार रहा है फिर से जैप कैनन, ओ भाई अवॉइड कर लिया, बच गए भाई ब्लास्टी, तू तो शॉट निकला भाई। जैसे तैसे ये बैटल हम लोग जीते हैं यार। सो इससे ये तो प्रूफ हो जाता है कि ये बंदी स्ट्रांग थी, लेकिन हम लोग जस्ट थोड़े से स्ट्रांग थे। और ये क्या भाई, हार के थोड़ा एम्बेरस हो गई है ये। खैर कोई नहीं, इसको इसी के हाल में छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते भाई हम लोग, क्योंकि NPC है भाई, क्या समझेगी। और शायद से, अरे ये कहाँ छिपा हुआ था भाई ये बच्चा, बिल्कुल नहीं मुझे दिखा। और बोलता है ये हॉप को नहीं हरा पाया, लेकिन मुझे ज़रूर हराएगा। ओहो बोल्ड वर्ड्स, तो चलो देखते हैं। और इसके पास चांगमो है, ये भी एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है, लेकिन इसका फर्स्ट एवोल्यूशन है, सो इसको तो पीटेंगे भाई। मस्त ड्रैगन टाइप है, लेकिन यार पैरालाइज है। और ये क्लियर स्मोक मार रहा है, ये ज़्यादा डैमेज नहीं देना चाहिए। हाँ भाई बच गए, चलो प्लीज़ ब्लास्टोइस मार दे इसको। और एक आइसिकल स्पीयर और गया भाई। आइस टाइप पोकेमोन से तो भाई इनकी बैंड बच जाती है, और ऊपर से वो बेबी ड्रैगन है। एंड रुको, इसके पास और एक पोकेमोन है, और नेक्स्ट पोकेमोन स्नोरेंट है, अरे आइस टाइप। सो हम लोग भेजेंगे जैशियन, क्योंकि इसके पास एक स्टील टाइप अटैक है ये। चलो भाई टाइप एडवांटेज तो मिला इस बार। एंड गाइस कितना ऑसम दिखता है ना जैशियन भाई, मैं तो फैन हूँ इस पोकेमोन का। और ये ब्लू स्नोरेंट, अरे ये तो शाइनी वाला है भाई, इस बच्चे के पास तो शाइनी वाला स्नोरेंट है यार, बहुत मस्त दिख रहा है। लेकिन मेरे को बहुत जलन हुई, सो मैं इसको मारूंगा मेटल क्लॉ। और चलो सुपर इफेक्टिव डैमेज दे रहा है, और ये हेक्स मारता है, इसका नहीं डैमेज पड़ना चाहिए। और बट रुको, उसके पास मूडी एबिलिटी था जिससे उसका स्पीड बढ़ गया, लेकिन स्पीड ही गिर गया भाई, ये क्या एबिलिटी है भाई। और फिर से हेक्स यूज़ कर रहा है, इससे तो हम लोग बच जाएंगे। हाँ चलो बच गए, और एक मेटल क्लॉ, और क्या बेचारा बच्चा यार, अभी हॉप से आ रहा था और अभी हमसे हार गया भाई। ज़्यादा डिप्रेस मत हो जाना भाई, क्योंकि तुम्हारे पास ऑसम पोकेमोन्स तो है, इनफैक्ट शाइनी भी है। सो किड रिमेंबर दिस, नेवर गिव अप बोल के मैं निकल लेता, क्योंकि यहाँ पे हॉप दिख रहा है और यही हमारा डेस्टिनेशन है। और फिर से ये बिल्ली दौड़ाने लगी भाई, इन पर्शियंस को भाई बैन करूँगा मैं, सही बता रहा। कितनी दूर था वो भाई, मुझे देखा और तुरंत दौड़ के आ गया। सो बैटल नहीं करूँगा, या कर लेते हैं भाई, करते हैं यार। इतना सामने हम लोग डेस्टिनेशन के पहुँच गए, और आके हमें डिस्टर्ब किया, इसकी तो सज़ा मिलेगी इसको। और चलो आइसिकल स्पीयर लैंड कर रहा है, एंड और एक अटैक, और एक, और चलो गया भाई बिल्ला। और चाहिए तेरे को, फिर से आओ बताता हूँ तेरे को भाई। खैर चलो लेवल देते जा रहा, और क्या ही चाहिए भाई हमें। एंड देख सकते हो तुम लोग, यही वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें आना था। लियोन भी है, प्रोफेसर मैग्नोलिया भी है, और हॉप भी है। एंड ये क्या भाई, और एक बिल्ली दौड़ा रही है, और ये जॉल्टियन थी यार, बच गए हम लोग, हॉप ने बचा लिया मुझे। एंड लियोन प्रोफेसर मैग्नोलिया से पूछता है कि क्या आपने पोकेमोन जो डायनामैक्स होते हैं उसका सीक्रेट जान लिया। एंड प्रोफेसर बोलती है, अरे नहीं नहीं, उसमें अभी भी बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं होप करती हूँ कि मेरी ग्रैंड डॉटर उस सीक्रेट्स का भाई पता लगा लेगी। एंड इनकी ग्रैंड डॉटर तो सोनिया है, लेकिन वो तो कोई एंगल से मुझे वैसी नहीं लग रही थी। एंड फाइनली प्रोफेसर मैग्नोलिया हमें रोटिस करती है, एंड हमें अंदर इनवाइट करती है, क्योंकि यार बाहर में खड़े होकर भाई ऐसे डिस्कशन कौन करता है भाई।
चलो अंदर चलते हैं। लगता है हॉप मिल चुका है प्रोफेसर मैग्नोलिया से। प्रोफेसर नहीं बोलूँगा, इनको ग्रैंडमा बोलते हैं यार, एकदम वैसे ही दिख रही हैं। एंड हाँ, तुम लोग इस गेम में ना डायनामिक्स फेनोमेनन सुनोगे, और ये ना इसी मतलब कि सोर्ड एंड शील्ड गेम में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, वो तुम्हारा पोकेमोन जर्नीज वाला एनीमे में। ये जस्ट लाइक एवोल्यूशन टाइप का है, जिसमें पोकेमोन्स बहुत बड़े हो जाते हैं एकदम मॉन्स्टर साइज के, जैसे गॉडजिला ये सब होते, और पोकेमोन्स फाइट करते हैं उस पर। और यार कोई कोई पोकेमोन्स का एक जिजेंटामैक्स फॉर्म भी होता है, जो कि बहुत ओपी दिखता है। एंड ऐसे तो मैं मेगा एवोल्यूशंस का फ़ैन हूँ, लेकिन नया चीज़ है तो देखते हैं कैसा है। एंड हॉप यहाँ पे प्रोफेसर मैग्नोलिया से कंप्लेन कर देता है लियोन की, कि वो हमें भाई एंडोर्स ही नहीं कर रहा था, बोले तो लाइसेंस नहीं दे रहा था जिम बैटल करने का। एंड लियोन बोलता है, प्रोफेसर मैं इनको इसलिए नहीं एंडोर्स कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग अभी नए नए ट्रेनर है, और अभी इनको बहुत कुछ देखना है। लेकिन प्रोफेसर लियोन को बोलती है, तुमने भी तो लियोन ऐसे ही स्टार्ट किया था, तुम भी बहुत वीक थे। हाँ, अब लगता है यार लियोन की आंखें खुल जाती है, और वो बोलता भी है कि इसी के लिए मैंने इनको पोकेमोन भी दिया है। एंड सो हमारा स्ट्रेंथ फिर से टेस्ट करने के लिए लियोन बोलता है, क्यों ना तुम लोग दोनों एक बैटल करो, तुम्हारा बैटल देख के ही तुम्हें मैं एंडोर्समेंट लेटर्स दूंगा, बोले तो भाई जिम चैलेंज करने का लाइसेंस। एंड क्या लगता है गाइस, इस बार अपन हॉप को कैसा वाला धोएंगे, गंदा वाला कि खुद धुल जाएंगे? एंड वो तो बैटल में ही देखेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड ट्रस्ट मी यार, मैं भी बैटल किया था नॉब से तो बहुत सरप्राइज हो गया था, एंड इसलिए उस पार्ट को मैं बचा के रखा हुआ, और उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना, ताकि तुम जो मस्त वाला पोकेमोन सोर्ड एंड शील्ड रैंडमाइजर का सीरीज चल रहा है, और पोकेमोन ब्रिलियंट डायमंड एंड शाइनिंग पर्ल का भी जो रैंडमाइज सीरीज चल रहा है, उसके तुम एक भी एपिसोड मिस न करो। एंड ये देख रहे हो घर के पीछे भाई एक TM छिपा हुआ था, वाह भाई। एंड मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। सो टिल देन द गुड्स द पाइस।